जो दिन आवे सो दिन जाही, जो दिन आवे सो दिन जाही। करना कुछ रहन संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर गबन समझाए ते बहादुर सिमरै कहनो दिया ताए सब ताए मोरा
ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਹਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਸ ਦਾਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸੇ ਸੁਰਾ ਜੀ ਰਾਵੇ ਮੂਗੇ ਵਰਤਾ ਪਾਵੇ ਨਾਰ ਕਲਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਦਾ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਸੋ ਹੋਏ ਤੁਦਾ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਾਚੋ ਤੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਜੀ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਭਰਾਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਗਤ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤੀ ਬੇਟਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਚਿੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਨੋਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਮੋਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ
जो तुम पहुंचे साढ़े सिलमसे का कदम रखे बहुत बहुत धन्यवाद। अखीर में बेनती है सुबह से भगवान बुलाओ अखीर एक बेनती सच्चे पातशाह इस प्रोग्राम को श्रीमती साड़ी नूह जी सुरेंद्र कौर को बेटा मोनू से बेटी को अच्छे से मेरे हाथ रखा दुनिया का सारे खुशिया पक्षा परिवार से दादा जी के बड़ो है वाह जी का खालसा वाह जी की आप कमा मन में आ
जन्म गयो
जितने भी मायक पदार्थ ने इस संसार विच उगदे ने ते बिनसे ने भी इत्थे ने, जो उपजो सो बिनस है, जेड़ा उपजेगा उसने अपनी आयु भोग के एक ना एक दिन बिनस जाना है, भावे वो निर्जीव है जा संजीव है, भाव उस विच जान है जा कोई पदार्थ आप देख लिए अपनी माया दे नाल मंदिर उसारे सी सारे दे सारे इस संसार विच छड़ के चला गया, पर हर मनुख की गिरती की है कि जदों उसके पास सुवास ने जदों सुवासा की अमोलक पूंजी है उसके पास ते अजे ही विधि आप लाइए कि करतार नौ सूत बकरी उस दिन ये माया के नाल जुड़ गई। मेरी मेरी दे चक्रा विच फस गया, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी मैं करदा करदा इस संसार विच कुछ कर गया। जदों 12 साल दा होया खेडन विच अपनी आयु भोगे, 12 बरस बाल बाल बीते, 12 साल का तेरे बाल आयु बाल अवस्था विच रंग गए, 20 बरस का टपना किया, 20 साल की उम्र विच कोई टप नहीं किया, 30 बरस कछ देव ना पूजा, 30 साल की उम्र विच अपने करतार दी अपने मुर्शिद दी कोई पूजा नहीं की, उस अकाल पुरख सिद्ध निहाल प्रभु दी उस्तत विच कोई गड़िया नहीं, ते फिर की होया जदों बढ़ेपे की अवस्था विच तू शामिल हो गया उस समय तेरे हाथ केवल के केवल की रह गया पछतावा, 30 बरस का देव ना पूजा फिर पछताना बिरद पयो, जो बिरद अवस्था विच आ गया ते केवल के केवल तेरे हाथ पछतावा आ गया, क्यों क्योंकि तेरी अवस्था अजिही हो गई चरण शीश का कंपन लागे तेरे पैर ते तेरा सिर जिन्हां ते तेनू अपने शरीर दे अंगा ते बड़ा मान सी, मेरे बाजुआं विच बहुत ज्यादा ताकत है, मैं बलशाली हाँ, मैं बहुत सोहना हाँ, रूपवंत हाँ, जोगवंत हाँ, अपने तन ते मान सी तेनू, ते जदों बिरध अवस्था विच होया की होया चरण शीश का कंपन लागे नैनी नीर असमान करे ते तेरे हाथ पैर कंबन लग गए ते नैना विच पानी बहन लग पिया तेरे नैना विच ओ जोत नी ओ नूर नी जिहड़ा जवानी विच सी, जेवा बचन सुध नी निकसे ते तेरी जेवा सी ओ सुध पाव सही उचार नहीं करती, कहना कुछ होर है मुंह विच कुछ होर निकलता है, क्यों क्योंकि जेहबा भी तेरी तेरा साथ देन तो रुक गई है, पाव बोलना कुछ होर है मुंह से कुछ होर निकल जाता, तेरे शरीर के अंग पैर भी तेरी चमड़ी भी तेरा साथ छटती है, ये अटल सच्चाई है। आज साढ़े पास स्वासा की पूंजी है आयु है ते असी माया दे पदार्थ दे मोह विच बचे हां, ते जदों स्वासा की पूंजी अजे ही गुआई तां केड़ा मुंह लै के उस धर्म राज दी कचहरी विच जावांगे, पर गुरदेव जी अपनी बाणी राही सानू दस रहे ने मन राम सिमर पछताएगा पापी जीरा लोभ गर्व है आज काल उठ जानेगा, लालच लागे जन्म गवाया माया कर्म लाएगा, धन जोबन का गर्व न कीजे काल गल जाएगा, तेरा धन ते तेरी जोबन जिवें कागज ने उसना विसना
गर्म के नाल जां गर्म के नाल हुंदा है उवें ही तो एक ना एक दिन मिट्टी विच मिल जाना है नाश हो जाना है। इस करके अपने स्वास्थ्य नूं अपने स्वास्थ्य दी पूंजी नूं जिहड़ी अमोल दात दित्ती है उस दी कदर जाण ते अपने आप नूं गुरु दे अर्पण करदा है अपने स्वास्थ्य नूं उस दी उस्तत विच ला के सांस सांस सिमरो सिमरो गोविंद मन अंतर की उठड़े छिंदे जिस दे सिमरन दे नाल तेरियां सारियां चिंतावां तेरा सारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस करके उस नूं सिमर उस करतार नूं उस प्रभु नूं जिसने तेरे संसार विच भेजा है उसकी उस्तत विच जुड़ जा क्योंकि तेरे माया ने अंदर जितने उसारे ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਇਕ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ Oh, yeah.
कर्म की गत मैं क्या जान
माया के रंग विच रता है, मिठी नींद विच सुता है, पर जाग कदों आंदी है? कह कबीर तब ही लग जागे, जम का डंड मूंड में लागे। जदों जमा दा डंडा सिर ते पैंदा है ते जीव नूं सुरत आंदी है कि मैं अमोलक खजाना अमोलक दात जिहड़ी अकाल पुरख ने मैनूं सवासां दी बख्शी सी उस नूं अजाए ही गवा के जा रहा हां। पर जदों अकाल पुरख दी कृपा हो जावे तां सच्चा गुरु मिल जांदा है, पूरा गुरु मिल जांदा है, तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिहड़ा ते जदों अजिहे गुरु दा ओट आसरा सानू मिल जावे तां साडा आया इत्थे सफल हो जांदा है। पर लोड है तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना गुरु मनन दी, गुरु मनन दी ते सिखियावां नूं ग्रहण करन दी। ते जदों अपने गुरु दा असीं हुक्म सुनदे हां उसते चलना करदे हां तां साडा आया सफल हो जांदा है। अज असीं जुड़ बैठे हां सरदार कुलदीप सिंह जी चाहल जी जिन्हां दे कुछ रोज पहले एक्सीडेंट करके दुर्घटना नाल सानूं सदीव विछोड़ा दे गए ने। मैं आप सारी साध संगत नूं हथ जोड़ के बेनती करदा हां जिथे इंसानियत दे तौर ते साडा ये फर्ज है कुछ कुछ सिखियावां ने जिन्हां नूं ग्रहण करना इंसानियत दे तौर ते साडा फर्ज है कि जदों भी असीं ड्राइविंग करदे हां मोबाइल की वरतों ना करिए क्योंकि साड़ी छोटी जी अनगहली करके किसी की जान जा सकती है। ड्राइविंग करते हुए ध्यान नाल कई ने स्टीरियो जां उची उची डेक लाए होंगे ने उन्होंने संकोचते हुए अपना ध्यान केवल से केवल ड्राइविंग विच लाइए ता जो साड़ी वजह करके किसी का जानी माली नुकसान कोई नुकसान ना नहीं कहता क्योंकि कोई गड्डी टूट जावे उस दी दोबारा रिपेयर हो सकती है पर जदों कोई साडा जी साडे तों विछड़ जावे ते तार टूट जावे ते ओह तार टुटण नाल जो सानूं अंदरली पीड़ा हुंदी है उस पीड़ा नूं शायद बयान नहीं कर सकदे। ओह विछोड़ा जो परिवार अज सहन कर रहा है उस पीड़ा नूं बाहर कढ़न दा कोई भी हल कोई भी दुआ नहीं है। सो असीं अपनियां जिम्मेवारियां नूं समझिए कोई अजिहा कार्ज ना करिए जिस दी वजह करके जिस दे कारण करके किसी दूजे दी जान चल जावे। इस करके मेरी हथ जोड़ के बेनती है जितनी भी संगत जो दूर नेड़े पहुंची है जिन्हां दे दूर कन्नां विच वी आवाज जा रही है ध्यान नाल ड्राइविंग करो जी क्योंकि साडी वजह करके साडे कारना करके कोई इत्थों इस संसार विच जानी नुकसान ना कर जावे जी। आओ समा हो चुका है एक शब्द की हाजिरी लवाई उस उपरंत अरदास होगी जी। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न कब्ज किया बहुर न कब्ज किया बहुर न कब्ज Thank you.
की बक्ष बंदे को भोजन Oh.
अपे हर एक रंग है अपे बहुरंगी, जो स्वभाव है नानक सारी गल चंगी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहब जी, तलंग कार दूजा महला पंजवा, तुदा बिना दूजा नहीं कोई, तू करतार कह सो होए, तुदा बिना दूजा नहीं कोई, तू करतार कह सो होए, तेरा जोर तेरे मन टेका, सदा सदा जप नानक एका, सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेका तेरा आधार रहाऊ, है तू हू बनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुझ शिव है तेना बहुत दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गही, जो दिस सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर 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 जन सुए, नानक कर्म प्राप्त हुए, जिन जपया तिस कौ बलहार, तिसके संग त्रै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, शांत जनां की वाचो तूरा, कहो नानक प्रभ लोचा पूरा, शांत जनां की वाचो तूरा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु दीसा जी निवाजी सत्संग जी, आप जी नूं पता ही है कि आपां अज किस समागम दे विच एकत्र होए हां। आपां उस समागम दे विच इकट्ठे होए हां जो इंसान सानू सदीवी विछोड़ा दे गए हैं, उन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होए हां। ओह इंसान ऐसा इंसान सी कि जिन्ने सिफत करी जाए ओ भी थोड़ी है, इन्ना वधिया इंसान कदे किसे नाल गुस्सा नहीं होना, कदे किसे नाल मैं लड़दा नहीं देखिया, मेरा यही नगर है, सब दे नाल हमेशा
प्यार दे नाल बोलना, जे कोई गल करनी है वीर भाई जो भी रिश्ते दे विच लगदा है पहला वो पुकारना है। बस भाई इहदा पिछे तो जाता है असीं तुसीं सब ने ये विचार करके चले जानी है। विछोड़ा तो उस परिवार नूं है जो ना पूरा होने वाला। चलो सारी संगत की अरदास है तो गुरु महाराज भाणा मनन दा बल ते बुद्धि बख्शिश कर। बहुत ही सूझवान परिवार, पढ़िया लिखा परिवार जिसनों वो अलविदा कह के चले गए। अजे तो पिता जी भी भाई उजागर सिंह जी जो जुगी दे विच बहुत ही चंगे तरीके नाल अपने अपने कार्य करते हैं। भरा भाई अमरजीत सिंह रिटायर SDO साहब, दूजे भरा भाई अवतार सिंह जी सूबेदार साहब, सरदार अवतार सिंह जी SDO साहब। चलो कोई नहीं बोलना चाहे अगे पिछे हो गया, एक SDO ने एक सूबेदार साहब निवास करते हैं। बेटा काका मोनो रमनदीप सिंह इटले दे विच सैट हन। बहुत ही वधिया तरीके नाल परिवार चल रहा सी, पता नहीं गुरु महाराज नूं की पाणा सी, जो पाणा है उस दे विच असी मनना है। सो परिवार वल्लों भाई करमदीप सिंह दे निमित्त गुरु घर दे लई सेवा जो चेक दे रूप विच दित्ती जानी है। गुरुद्वारा साहिब लई चेक, एक दूसरा भाई स्कूल दुमणा दे लई चेक है। सो हुण मैं बेनती करदा कि नगर वालों सारी संगत का धन्यवाद करेंगे। नगर के सत्कार जो भाई जगीर सिंह जी सिर्फ 5-7 मिनटा के लिए सारी संगत का धन्यवाद कर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र जुड़ रखी गुरु खालसा विस्तार सिंह जी हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज बहुत ही औखा समा है, साडे अपने भतीजे सरदार गुरदेव सिंह जी ते साडे भरा आजाद उजागर सिंह दे बेटे साडी भराई श्रीमती चरण कौर जी लगते जिगर स्वर्गवासी हैं। वो सानू पहला विछोड़ा दे गए ते साडी धी सुरिंदर कौर जी दे धर्मपति बेटा मोनू तेती लाड़े नाल गुड़ी कह दें उन्होंने पिता जी अचानक ही साडे कोलों विछड़ चले गए ते मैं होर किनारे जोड़ना चाहना। रस्ते विच बाबा गुरदयाल सिंह जी सुरगवासी दादा जी ते दादी श्रीमती हरचिंद कौर जी ते पोते अचानक ही दिन विच चले केर केंद्रों हंस नूं अचिंत बाज पड़े बाज पै किसरा केला विसरना। इंसान सानू कुछ नहीं पता गाय ड्यूटी करने ते पाना की बनता है। सिंह साहब उन्होंने बहुत ही विस्तार नाल वैराग माई सच दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दसा गुरु साहबान भगतां दी बाणी दे सच नूं व्याख्या जो सच है। आप सारा यह उपदेश है कि सच नाल जुड़ो। आ हुण आपने जो महाराज ने आदेश सानू बख्शिया है पंचों बाज ने तिरंग राग विच माला दूजे विच तू कादर करता
कदे तो हो इंसान तू अपने आप छड़ के गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी के चार जुड़ जाए अगर सुख खटना चाहना है सारिया सिद्धिया सिद्धिया तेरे अगे पिछे तुरदिया फल गया होमे ने छड़ दे निवरता बच आ जा प्यार सत्कार का जीवन अपना दे जिंदगी बच सारिया दुनिया दया नौ दिदा तेरे कल तुझे प्रवेश कर जाएंगे साडे कुलदीप जी बहुत ही सुहिरद जिन्हों कहने भी जस कट के कहने दुनिया बचो का प्यार और निम्रता का यही कमाना मुश्किल है सानू साड़ी अपनी सेहत घर का विरसा घर की जमीन पैसे कोठियां माड़िया गड्डिया ये निगाह नू उपर ले जाती है गुरु ग्रंथ साहब के सच नू पछाण च नहीं आते सो ये कुलदीप का साडा बहुत ही प्यारे सुभाव वाला चंगा नाम लिखा के जस कीर्त जग ले जस लेगा गया थोड़ी उम्र बच साडे वर्गे हजारे सौ सौ साल के होके एक सौ दस साल के होके भी ये जस नहीं गुहा सके निगाह ला के देख लो इतिहास दुनिया बच जस उसने मिले है जिदे को प्यार है सत्कार है ना नीवा जो चले लगे ना दाती वार मन संतोख सब जी दिया इन वृद वर्त संपूर्ण दिया इंसान तू अपने मन में संतोख लिया सबर लिया वो तेरे को पैसा ही नहीं मुकला सारी जिंदगी अगर संतोख है सबर है ते तेरा जीवन ऐसे होना सफल है फुल बने के आशी तारा वहम पालन की लोड़ नहीं ब्रह्मंडी का न ब्रह्मंडी रचा इहो फेर है साला सच है कि इस दुनिया से इंसान आता है चलिया जाता है लेकिन वो इंसान चंगे ने हम सारी जिम्मेवारी हरी थी सुरेंद्र कौर श्रीमती जी हमारे ये आपे मम्मी है आपे डैडी है इन्हें बच्चों वास्ते ते सारे भरा साहब जागर सिंह जी जो असि कट्ठे पढ़ते रहे बचपन तो लैके पहली तो लेके लम्बे उची विद्या तक इन्हों का स्वभाव बहुत अच्छा है जे जगह मारिए मेरा बचपन इन्होंने साड़ी दादी जीवी जी ते जी हरचेंद्र कौर माँ मम्मी बड़ा सिंह मकर दादा ने आओ जागर सिंह से पढ़ते जाने जगह इन्होंने जाना स्कूल जाना सो ये यादा ने पुरानिया जमनिया पुरानिया सारिया घर दिया बाबा गुरदयाल करके मशहूर सन सरदार गुरदयाल सिंह जी जिन्हों का पोता पोतरा है कि वह भी पढ़े लिखे इंसान ने साडा परिवार दूजा हरदयाल सिंह का परिवार दो भरा ने बहुत ही वधिया परिवार है नगर में इलाके में आओ आप अज दुख घड़ी में सारे अरदास की सामने सिंह साहब ने बहुत ही सुचे जे ढंग गुरबाणी रूप सच की पछाण करवाई है सानू भी सच न जुड़ो साधो रचना राम बनाई एक बिनसे कासिन माने अत्यत लिखे न जाई काम क्रोध लोम प्राणे हर मुंह से दिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो जीव से बना रे नाई जो दिसे सो सगल बना से जीव बदल गई छाई इंसान बदल दी छाया वांगो तू निकल जाना इतो जिमें पानी का बुलबुला निकलता है रात का सपना निकलता है ते रे देखा गुरबाणी लिखा है पर सो अज बहुत ही सुचे जी सुहद संघ जुड़ी है राकेश चौ दूर दराज तो मलेर कोटले तो जिते साढ़े ये परिवार निवास कर लगा उसे गया सी बात बीबी जी साढ़े सरकार भैन जी चरण कौर सिंह जी चरण कौर जी जो कई साल पहला दुनिया छड़ गए एक बहुत ही मैंने जाके इन्नी खुशी हुई सुन के कि उन्होंने उत्थे इन्ना वधिया अपना विस्तार समाज में कमाया मलेर कोटले यूपी में भी सार बस कि उन्होंने अपने जाते हुए जीवन समाज में दान कर दे ये सच है क्योंकि लोड़ है सानू इस शरीर को खोजने की पैसा उन्होंने समाज में बहुत बड़ा अनमोला खजाना सौंप के गए ने अपनी सारी थे साधो जो साडा विज्ञान है मेडिकल का वह पढ़ लिख के ए आने वाली हुई जो कुरीतियां पहले ही दूर कर सकी आप पहला तो वह गुरबाणी में बहुत जुड़े हुए सन गुरु घर के प्रेमी सन दूजे इनके भरा अवतार सिंह जी एनजीओ साहब अमरजीत सिंह सुखदार साहब ने सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं
ना तो नहीं देते पर अरदास करते सच्चे पातशाह इस पुराण नु इन सालो जैसा है इन्होंने इतना बढ़िया कीर्तन किया है देश आप करके देख लिया लोग एक सौ दब के और व्याख्या करी जाते हैं संगीत को जुड़ना बहुत मुश्किल है व्याख्या करनी बड़ी सौखी है गलत बनाई गई है इन्हें बहुत ही बढ़िया संगीत किया है बहुत ही बढ़िया गुरबाणी का कीर्तन राही साहब समझ आया है कि इंसान गुरु ग्रंथ साहब के जुड़ गुरबाणी जुड़ के अपने सारिया नौ नीतियां अपने पाप सारे दूर कर स्वामी कुछ बहुत गुजरा कर सोचे प्रभाव बोलो सरदार साड़ी नूह थी सुरेंद्र कौर जी तो बेटा मोनू ते गुडी थी साड़ी सोचा प्रभाव ते दादा जी साहब उजागर सिंह जी ते कुलदीप दूजे प्रभाव सरदार सिंह एसडीओ साहब ते इन्हें दूजे भरा सुखदार अमरजीत सिंह जी ते समुचे परिवार वालों आई हुए सारी संगत रिश्तेदार दूर जान जो मेरे में भी पहुंचे हैं तय करो शुक्राना तय करो तरह किसा जाता है ते बाद ही सच्चे पाशा जो ते तुसी पहुंचे साढ़े श्रीमते ते कदों रखे बहुत बहुत धन्यवाद अखीर में बेनती है समुचे परिवार वालों अखीर ये बेटी सच्चे पाशा ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਿਰਦਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੋਨੂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਖੁਸ਼ਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਐਸ ਡੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਰਬਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਗਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Yeah.